हंसती हंसती कट जाए हंसती जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले हम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल का जो ब्लॉग है यानी कि आज जो गया है उसमें मैं थोड़ा सा अपसेट थी, बट अब मेरा मूड ठीक हो गया है इसीलिए मैं इस तरीके के सॉन्ग्स गुनगुना रही हूँ ताकि मूड अच्छा सा रहे। इस वजह से जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना तो अभी मैं मसाले भर रही थी। ये जो मुझे गिफ्ट मिले थे ना पुष्प मसालों पे जो मैं भिन्न रही थी वो ही इस महीने मैंने मंगवाए नहीं थे मसाले, तो बस अभी वही भर रही थी। अभी खत्म हुए डब्बों पे, तो अभी टाइम हो चुका है 2:30 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह को नहीं किया था, सारा काम वाम किया और अभी बातें करते हैं बैठ करके। आज का ब्लॉग बस स्टार्ट कर दिया, देखते हैं क्या क्या होता है आगे आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। सारा काम हो गया है तो अभी इलू भी आ गई है और जो कपड़े कल के सूखे हुए थे ना वो आज मैं ले आई हूँ क्योंकि इलू आने वाली, तो फटाफट मैंने बाहर ही नहीं समेटे, आज लेके आ गई हूँ यहाँ पे और मुझे समेटने। पे टीवी देख रही तो बात नहीं हो पाएगी। मुझे कुछ शेयर करना था कि आज 26 तारीख है तो जो है कल मेरे हस्बैंड का जो है बर्थडे है। आज मैं रात को बनाऊंगी 12 बजे। मैं हमेशा हम सेलिब्रेट करते केक मैं बनाती हूँ वो कट करते और उन्हें भी पता होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन आज मेरे पास जो है डेकोरेशन का सामान नहीं है तो देखते हैं। डेकोरेट तो नहीं कर पाऊँगी, केक ज़रूर से बनाऊँगी क्योंकि फूल वगैरह है ना वो बहुत दूर मिलते, उन्हीं से मंगवा लूँ तो क्या मतलब है ना। तो कल पार्टी हो सकती है, अगर इनको छुट्टी मिली तो पार्टी होगी, तो घर घर के सारे लोग आएंगे तब मैं आपको मिलवाऊंगी। एक्चुअली मैं कैमरे में किसी को भी इसलिए नहीं लेती कि किसी की परमिशन के बिना लेना भी नहीं चाहिए है ना। तो कल अगर पार्टी हुई और बर्थडे व्लॉग बनाया तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। अगर इनको छुट्टी मिलती है तो पार्टी होगी और घर घर के ही, हमारे क्या है 40 लोग तो घर घर के ही हो जाते हैं, जिसमें कि इनका क्योंकि पूरा ददियाल यहीं पर है और ननियाल भी पूरा यहीं पर है, तो इनके मामा लोग ताऊ जी और चाचा चाची वो सब बुलाते हैं हम लोग और पूजा होती है मार्कंडेय पूजा। तो देखते हैं कि छुट्टी मिलती है तो बर्थडे होगा, अदरवाइज हम लोग तो ऐसे ही लेट आते हैं तो खाना बाहर खा लेंगे, ऐसा कुछ होगा। बट देखते हैं, इनसे बोला हुआ है अभी राजा पार्क इसीलिए गए थे, हम बात करने गए थे डोसा वाले से, साउथ इंडियन वाला जो है हम लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। अभी काफ़ी समय से इनका हुआ नहीं बर्थडे, तो मैंने सोचा मैंने इनको बोला यार कर लो डोसा वाली पार्टी रख लेते हैं साउथ इंडियन वाले, उसमें डोसा होता है, इडली होता है, वड़ा होता है, सांभर होता है, उत्तपम होता है, तो सबको अच्छा भी लगता है और सर्दियों में गर्म गर्म वो अच्छा लगता है। मैंने कहा इस बार यार कर लो, अब तो हम भी थोड़ा सा कमाने लगे हैं तो हम आपके लिए पार्टी दे सकते हैं, तो इसलिए इनको मैं कह रही हूँ। अब देखते हैं इनको छुट्टी मिल गई तो कल पार्टी होगी, तब मैं आपको सबसे मिलूंगी। अभी देखते हैं इलू को सुलाती हूँ क्योंकि उसको ट्यूशन भी जाना है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और सोच रही हूँ आज ढोकला बनाऊंगी क्योंकि रीना जी जो है बहुत दिनों से मुझे बोल रही ढोकले की रेसिपी, जो वैसे मैंने दी थी बट आज फिर से मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इलू को सुलाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज अब मैं सोने वाली थी, उतने में इनका कॉल आ गया तो मेरी नींद खुल गई और मैं अब वापस नींद नहीं आ रही थी तो मैं ढोकला बनाने आ गई। तो ढोकला बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपको दूंगी और ये भी आएंगे तो ये भी खा लेंगे। तो चलिए आपको रेसिपी देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन, एक गिलास बेसन, ये छोटी सी गिलास है, आप कप भी ले सकते हैं। तो एक कप बेसन लीजिए, एक कप सूजी ले लूँगी, जितना बेसन उतनी ही सूजी और उतना ही दही। तो एक कप सूजी मैंने डाली यानी कि ये गिलास छोटी सी, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये मैं एक गिलास जो है वो दही डाल रही हूँ, फेंटा हुआ दही, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने आधा गिलास जो है पानी डाला था, फिर मैंने देखा थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैंने आधा गिलास के बाद आधा गिलास और, यानी कि एक गिलास कुल पानी डाला। तो हमें कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए कि ना घोल ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही पतला। तो ये देखिए घोल तैयार हो चुका है, एक बार इसे जो है हम साइड पर रख देंगे। और इसे मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो इस वजह से ये माइक्रोवेव सेफ जो है टिफिन ले रही हूँ। उसमें एक चम्मच तेल डाला, इसे ग्रीस कर लेंगे। जब आप अगर स्टीम करें गैस पर तो ऐसा प्लास्टिक का बर्तन ना लें, एल्यूमिनियम या स्टील का लें। तो ये मैंने एक छोटा चम्मच इनो पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए इनो पाउडर है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और जैसे इनो डालते हैं तो हमें ज़्यादा देर इसे रखना नहीं होता है, फटाफट से इसे ट्रांसफ़र कर देंगे माइक्रोवेव सेफ जो टिफिन है इसमें। और इसे मैं माइक्रोवेव में बना लूँगी, माइक्रोवेव में 5 मिनट में बन जाता है। तो ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में डाला और 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को सेव कर देंगे, मतलब 5 मिनट के लिए बना लेंगे। और अगर आप स्टीम कर रहे हो तो 10 या 15 मिनट लगते हैं। तो ये 5 मिनट में ढोकला जो है वो हो चुका है तैयार हमारा। तो अब इसका तड़का बनाएंगे। तो 1-2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है और इसमें राई डाल देंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच हींग डाल रही हूँ मैं, और ये हरी मिर्च डाल रही हूँ कटी हुई। और ये देखिए चाकू डालकर भी देख लेते हैं, ये बिल्कुल साफ़ निकल आया, इट मीन्स ढोकला तैयार है। तो अब तड़के में हम पानी डाल देंगे, अंदाजे से मैंने डाला 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी के घुलने तक पकाना है। फिर इसमें नींबू का रस भी डालना होता है, बट मेरे पास नींबू नहीं था इस वजह से मैंने नहीं डाला, आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया कटा हुआ, और इसे अब कट कर लेंगे अच्छे से। पानी थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दीजिएगा, ढोकले जो है वो सोख लेते हैं। तो कच्चा नारियल नहीं था तो मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया, तो हमारे ढोकले जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे खा रहे हैं और इनको छुट्टी मिलने वाली है, तो ये बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात करें। इलू दूसरे वाले रूम में ट्यूशन के लिए तैयार हो रही है, उसके बाद वो ढोकला खाने आएगी। तो यहाँ पे ये सबको इन्वाइट कर रहे हैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए। तो यहाँ पे मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी फटाफट से, मैं बनाने वाली थी सिंपल सी आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा रेसिपी तो क्या दूँ, और पालक इसलिए रख रखे क्योंकि मैं पालक की पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है रसे वाली सब्ज़ी के साथ, आलू को पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो यहीं पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और ये पालक तोड़ लूँगी पूड़ी के लिए, फिर प्यूरी बना लेंगे, और फिर पालक का आटा, पालक की पूड़ी के लिए आटा गूँथ लेंगे। तो बस यहाँ पर पालक तोड़ रही हूँ, फिर धो करके इसकी प्यूरी बना लूँगी मिक्सी में। और ये बस आटा लगा रही हूँ, आटा ले लिया है गेहूं का, और इसमें मसाले डाल देंगे सारे, और हींग डाल देंगे, और पालक की प्यूरी डालकर गूँथ लूँगी। आपको ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये मैंने केक के लिए बैटर भी बना लिया, ये बिस्किट का केक ही बना रही हूँ, और ये बिस्किट का स्टीम्ड केक बना रही हूँ, बेक्ड वाला नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं स्टीम कर लूँगी इसको, वो कप केक की जो मैंने पिछली रेसिपी दी है ना, वही रेसिपी से मैं कप केक ना बनाकर केक बना रही हूँ। तो बस ये केक रेडी हो जाएगा 15 मिनट में। और केक को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर मेरे पास रखा था और दूध रखा था, तो कस्टर्ड पाउडर बना लूँगी। उससे जब ये सब ठंडा हो जाएगा केक वेक, तो फिर मैं कस्टर्ड से डेकोरेट कर दूँगी। और यहाँ पर जो है बस कस्टर्ड को देख रही थी, साथ ही मैं केक को देख रही थी, फिर मैं बर्तन भी कर लूँगी। तो बस कल की तैयारी करनी है मुझे। पहले तो क्या है कि मैं खुद ही बनाती थी 40-50 लोगों का खाना, तो बट अब मैंने डोसे वाला कर लिया है, बुक करवा लिया उसे, ये बुक करवा के आ गए हैं, एडवांस दे करके आ गए हैं। तो बस कल आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बर्थडे मनाते हैं। तो गाइस खाना भी रेडी है, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, पालक की पूड़ी, केक भी रेडी, कस्टर्ड भी रेडी है। ये देखिए केक बन चुका है, जैसे ये ठंडा होगा मैं इसे निकालूंगी, और कस्टर्ड ठंडा होगा तो केक को मैं डेकोरेट कर दूंगी। रात 12 बजे इसे कटवाना है। और मैंने इनू के लिए दूध जो है वो रेडी कर दिया है, और पानी मैंने गर्म करने रख दिया है, बालों पर ऑयल लगा लिया कल के लिए, आज ही मैं बाल धो लूँगी। और अभी मैं जाके देखती हूँ कि ड्रेस जो है वो मुझे क्या पहननी है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस तो मैं ये पहनूँ, ये स्कर्ट और ये चुन्नी है, और ये इसका कुर्ता है जो कि मैंने अपने भाई के रोके पे पहना था। या तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूँगी, या फिर मैं ये वाला गाउन पहन लूँगी, मतलब सूट स्टाइल में है, गाउन ही है ये, मैंने मेरे भाई की वृद्धि वाले फंक्शन में पहना था। या फिर मैं ये पहन लूँगी, या फिर मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, ये मैंने अपने भाई के संगीत पे पहनी थी। आपने ये सारी ड्रेसेस देख ही रखे, इस तरह की हाथ से गिर गया था। तो इस मैं ये कह रही थी कि इस तरह की ड्रेसेस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। साड़ियों जो होती है ना आजकल मुझसे नहीं पहनी जाती, इस वजह से मैं इस टाइप की कल कोई ड्रेस पहनने वाली, इनको पहनाएंगे धोती कुर्ता और ईलू को सूट पहना देंगे, है ना। गाइज
अब मैंने बाल धो लिए और अब टाइम आ गया है उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स के नाम लेने का। तो चलिए कुछ नाम जो मैंने आज सबने मुझे बोला वो नोट किए वो ये हैं, पारुल जी गुजरात से, पारुल जी, कृष्णा विकरिया या विकारिया जी हैं कृष्णा जी, और शहनाज एस के जी के आईडी से शहनाज जी या शाइनाज है ऐसा कुछ है, और मरियम जी, स्वीटी कुमारी जी, स्वाति तिवारी जी, ममता साहू जी जो अभी न्यू मेंबर बनी है हमारी फैमिली की, और जस्सू बेन जी, अभी मुझे इतना ही नोट किया, और प्रकृति, प्रकृति का नाम लेना मैं भूल जाती हूँ, प्रकृति हर वीडियो में आती है, और कुछ दिनों से अक्षित जी की आईडी से संतोष जी भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो सबका जितने भी फैमिली मेम्बर्स है 12,500 की हमारी फैमिली, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अपने नाम देते जाइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलती जाऊँगी, तो अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये इलू ने जो भी कार्ड बनाया और कार्ड पे जो भी लिखा है वो अपने मन से लिखा है, जो इसके मन के उद्गार हैं। फोटो भी खींच लो। करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। मुझे भी खिला दो, कैसा बना है? तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, रात के 12 बज चुके हैं, केक कट चुका है, तो इनके जन्मोत्सव का जो व्लॉग है वो भी मैं बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी, बट आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सब भी खाइए केक। यही लोग भी बाय करेगी, बाय।